बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना एक दिन हासिल कर लेंगे मंजिल को, ठोकरें जहर तो नहीं जो खा के मर जाएंगे। मैं हूं जुहेब और आप देख रहे हैं केडीपी एंड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एडिट पब्लिक डोमेन बुक। डोमेन बुक को कैसे एडिट करना है, कैसे बनाना है, नए तरीके से बनाना है, क्या क्या उसमें हम गलतियां कर जाते हैं, क्या क्या चीजें रह जाती हैं, तो आज उसकी आपको बताना है। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन दबाएं और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट पे भी वो किया करें। और नीचे आप मेरा फेसबुक का पेज है, उस पेज पे भी आप आके वहाँ पे भी मैं टॉपिक्स और नीड्स के बारे में बात करता हूँ, तो उसे भी आप वहाँ पर भी आके आप वीडियोज देखा करें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और एक बुक है पब्लिक डोमेन की, बुलडोग डरमंड बुक का नेम है। और अच्छा ये देखें, ये मैंने इसका निकाला है इलस्ट्रेटर नेम, ठीक है। और उसने मुझे इसमें बता दिया है कि जो ऑथर था उसकी डेथ हो गई थी 1937 में, और जो कंप्लीट किया था वो इसने किया था, ठीक है। ये चीज मस्ट हमने ऐड करनी है, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूटर ऑथर। जो हम सबसे बड़ी गलती, मेन जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है, ठीक है। जो सबसे बड़ी गलती, मेन गलती है, हम ना तो कंट्रीब्यूटर ऑथर का नेम बताते हैं, ना इलस्ट्रेटर का नेम ऐड करते हैं, ना कोई और चीज उसको बता रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमारी बुक्स जो है वो ब्लॉक होती है। तीन चार वजह है जिनकी वजह से हमारी बुक ब्लॉक होती है, ठीक है। इस बुक को मैंने अब है, ये बुक पब्लिक डोमेन की, इसको मैंने गया हूँ और इसको मैंने मैनी बुक्स पे जाके सर्च किया और ये बुक मेरे पास आ गई है। आपको मैंने कल भी वेबसाइट दिखाई हुई मैनी बुक्स वाली, जो वेबसाइट है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपसे बुक लेनी है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ई पब की फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर लें। अब इसको डाउनलोड कर लिया, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है वर्ड में, कन्वर्टियो पे जाना है। यहाँ पे जाके आप इसको कन्वर्ट कर ले, तो मैं बता देता हूँ इसको डॉक्स में करना है। आपने मेहनत करनी है, काम करना है, ठीक है। और इसी मेथड से काम करना है जो मैं आपको बताऊं, जो आपको तरीकाकार मैं सिखाऊं, उसके बाद हाई कंटेंट का भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी हमारे जल्द ही लेक्चर शुरू हो जाएंगे। सेल्फ पब्लिशिंग हर चीज आपको बताई जाएगी, हर तरीकाकार आपको बताया जाएगा कि वर्क कैसे करना है, काम का मेथड क्या है, असल जो चीज है ना, जो मेन चीज है, आपने वैसे काम करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बुक जो है, बुक जब ओपन होगी उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें सेट करनी है। सबसे पहले आना है, हमने आके इसका कवर उड़ा देना है, ठीक है। ये कवर उड़ा दिया मैंने, अब नीचे आके आप इसका जहां से बुक शुरू हो रही है ना उससे ऊपर ऊपर हर चीज को उड़ा दें आप, हर चीज को देख लेना है कि ये देखिए कंटेंट टेबल अपोलोजाइज, ठीक है, एंड पे अपोलोजाइज, इससे ऊपर जितना भी कुछ है वो आप उड़ा दें, सब कुछ आपने उड़ा देना है। यहां से इसको मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाए, इस पेज को नीचे ले आए आप, और आप अपने एंड वाले पेज पे चले जाना है, ये देखिए। इससे नीचे जो भी कुछ होगा ना आपने सब कुछ डिलीट कर देना है। आपने लास्ट चैप्टर ढूंढना है, लास्ट चैप्टर कहाँ पे पड़ा हुआ है, दी एंड, उससे ऊपर देख लीजिए, अपोलोजाइज, ठीक है, अपोलोजाइज ऐड करना है कर लेने, तो ठीक है ऐसे रहने दें, दी एंड। इससे नीचे जितना भी सब कुछ है वो आप डिलीट कर दें, ये मैं डिलीट कर दी इसको, ठीक है। अब यहां तक हमारी तकरीबन, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबकी जो हेडिंग्स है उनको देख लेना, हेडिंग्स को एक बराबर कर लेना है। मैं इनको कहता हूँ कि इनको सबको एक हेडिंग कर दो। यहाँ पे जाता हूँ, होम पे जाना है,
वहां पर जाने के बाद एक एक करने की बजाय मैं सबको एक ही सिलेक्ट करता हूँ और उनको हेडिंग वन का नेम देता हूँ। ये देखें सब हेडिंग वन हो गई, इन सबको मैंने हेडिंग वन का नेम दे दिया। हो गया, अब आपने क्या करना है कि अब आपने बुक का नेम लिखना है, ऑथर का नेम लिखना है। यहाँ पे हम बुक का नेम लिखेंगे, और कॉपी किया मैंने, क्या पेस्ट किया बुक का नेम। इसको मैं जरा अच्छा सा क्रिएट कर देता हूँ, पहले इसको मैं कहता हूँ पहले बड़े कर दो, ठीक है। फॉन्ट साइज जो है वो उसका कम रखा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट साइज को, ठीक है। और इसको अब मैं और सिलेक्ट में तो सिलेक्ट कर दूंगा, फॉन्ट साइज जो है उसका जितना ज्यादा आप जहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है। कम इतना फॉन्ट साइज रखो। अब नीचे मैं इसके ऑथर का नाम रख रहा हूँ, ये चीज, ये ऑथर का नाम है, ये ऑथर का नेम है। यहाँ पे गया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, इसको भी जरा मैं इसकी भी हेडिंग बना देता हूँ, ये जरा छोटी हेडिंग होगी, साइज इसका बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं नीचे देख कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है, उसने कहा कंटिन्यूटेड बाय, ठीक है। या मैं इसको कंटिन्यूटेड बाय लिख दूंगा या मैं इसको लिख दूंगा कंप्लीट बाय, ठीक है। कंटिन्यूटेड नेक्स्ट लाइन पे ले जाना। आपको एक और चीज बता दूं, जैसे मैं आपको फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूं ना, आप ये फॉर्मेटिंग सीख लें, इसकी भी बहुत डिमांड है वर्क पर, ठीक है ना। इसको बहुत, इसको आए दिन जॉब्स आई होती हैं कि इसकी हमें वो फॉर्मेटिंग, बुक फॉर्मेटिंग करवानी है हमने, इस तरह की चीज जो होती है वो अपवर्क पे बड़ी होती है, अपावर पे बड़ी होती है। तो ये आप चीज इसको जरूर इसको देखें, ताकि आपको जरूरत इसकी पड़ती रहती है, तो आप इसको ये देखें। अब मैंने इसको सेंटर में ले गया, इसको इंटर करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आया, और इसको भी मैं नीचे लेके सेंटर में लिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज यहाँ पे गए, इसको फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ताकि मेरी चीजें जो है प्रॉपर ही, ठीक है। ये हो गया चीज, कंप्लीट चीज हो गई, ठीक है। इसको मैं जरा सेंटर में ले आता हूँ। अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने, तो ये पेज मैं छोड़ देता हूँ, इनका भी मैंने फॉन्ट साइज बड़ा करना है, ठीक है। इनके भी आपने फॉन्ट साइज, क्योंकि चैप्टर जो होते हैं वो चैप्टर्स के नेम होते हैं, उनको आपने जरा बड़ा करके उनको अच्छा सा करके क्रिएट करना है, होती ही फॉर्मेटिंग यही चीज है। अब इनके मैं साइज को बढ़ा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब ये अच्छे लग रहे हैं, ये चैप्टर्स के नेम हो गए, ये अच्छे लग रहे होंगे, जब कोई पढ़ेगा उसको ये चीज अच्छी लगेगी, ठीक है। और तीसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन सबको अपने एक ही बराबर कर ले, यहाँ पे गए सेंटर, ठीक, उनको सेंटर में कर ले, ये चीज हो गई। अब मैं ऊपर आके टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर लूंगा, थोड़े से इसको सेट कर ले, ऊपर वाले को थोड़ा सा हो गया, इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ से सेट हो। अब मैंने कंटेंट टेबल क्रिएट करना है, सही है। अब जस्ट मैं कंटेंट टेबल क्रिएट करूंगा, यहाँ पे गया, अपने रेफरेंस पे आना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे आना है, ठीक है। ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर दिया,
और इसको पेज नंबरिंग भी देनी है आपने, पेज नंबरिंग दे के फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको पेज नंबरिंग दे देता हूँ, इंसर्ट पे जाना है, पेज नंबरिंग आ गया, टॉप पेज वन पे आपने चले जाना है। ये देखिए पूरी बुक में ऑटोमेटिकली सब में नंबरिंग आ गई आपकी बुक में, ठीक है, ये होती है पेज नंबरिंग। अब मैं इसको कहता हूँ कि अब टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करता हूँ, कि जिस पेज पे मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे क्या चीज़ होगी, इस पेज पे क्या चीज़ होगी, वो ऑटोमेटिकली वो इसको सेट कर दे। अब रेफरेंस पे जाता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाता हूँ, और टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया। अब मैं कैसे देखूँ, ठीक है, फर्स्ट पे थ्री पे ये चीज़ पड़ी हुई है, अपोलोजाइज, थर्ड पेज पे पड़ी हुई है, ले तो ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया। ये ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होता है, ये बुक बन गई है। इसमें एक चीज और, ठीक है, ओके है। अच्छा, आपने ना ऐसे लिंक्स को चेक कर देते जाना, इनके ऊपर हाइपर लिंक ना आए, ठीक है। अक्सर बुक्स होती हैं उनके ऊपर हाइपर लिंक्स आ रहे होते हैं, जो हाइपर लिंक्स आते हैं उनकी वजह से मोस्टली बुक्स आपकी जो होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, हाइपर लिंक आ रहे होते हैं। कोई और बुक आ गई नेक्स्ट बुक में, मैं किसी में अगर हाइपर लिंक आ रहे हो तो वो मैं आपको वीडियो उसकी दिखाऊंगा कि हाइपर लिंक क्या आते हैं। अब ये मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर हाइपर लिंक नहीं है, ठीक है, ये हमें आए नहीं है। अब इसको सेव कर लें, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको इजाफी और काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको ऐड कर लें। अगर आपने इसको एनोटेटेड करना है, अगर आपने इसको कुछ और इसके अंदर कोई चीज़ें करनी है, फिर आप इसको इलस्ट्रेट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इलस्ट्रेट करना सिखाऊंगा। आज की जो वीडियो थी ये सिर्फ पता है कि बनानी कैसी है, अगली वीडियो में मैं आपको ये बुक इलस्ट्रेट करना बताऊंगा, ठीक है। चलो अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं। चलिए, इसमें आपको बता दिया कि क्या मेन चीज़ है, अगली वीडियो में इलस्ट्रेट हो जाएगी, एनोटेट के बारे में भी बताऊंगा कैसे है, ठीक है। ये ऐसे भी हम बुक अपनी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जाते जाते आप अपने मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।